हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। इशा, अब तक हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर कर लिए थे पोटेंशियल मीटर टॉपिक पर। अभी तक कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे बोर्ड में आए हुए हैं। तो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पोटेंशियल मीटर वायर है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है और ये जो लेंथ है, बेलेंस लेंथ AO क्या है। तो बेटा, यहाँ देखो, ये पोटेंशियल मीटर दे रखा है पूरा 2 वोल्ट का। यहाँ पर ड्राइवर सेल है, 15 ओम का सीरीज रेजिस्टेंस है, वायर AB की लेंथ 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 10 है। अब इसके साथ आगे ये प्राइमरी सेल लगा हुआ है। इसके सर्किट में एक तो 1.2 ओम कनेक्टेड है, एक हमारा 0.3 ओम कनेक्टेड है। अब आपसे पूछा था, एक तो आप पोटेंशियोमीटर का ग्रेडियंट बताओ और इसकी बैलेंस लेंथ बताओ। तो बेटा, सबसे पहली बात, जब भी हमें नल पॉइंट मिलता है तो नल पॉइंट पर जो हमारा ड्राइवर सेल का सर्किट होता है उससे करंट प्राइमरी सेल के सर्किट में नहीं जाता और प्राइमरी सेल के सर्किट से ड्राइवर सेल के सर्किट में करंट नहीं जाता, लेकिन अपने अपने सर्किट में ये करंट जरूर भेजते हैं। तो बेटा, मैंने माना इसके सर्किट में जो करंट है वो कितना घूम रहा है, आई, और इसके सर्किट में जो करंट घूम रहा है बेटा वो है हमारा आई डैश। तो इस तरह से बेटा करंट ये मूव कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो आपको सबसे पहले तो ग्रेडियंट बताना था। तो ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा ड्राइवर सेल है उसके सर्किट का करंट निकालते थे, फिर वायर में ड्रॉप निकालते थे पूरी लेंथ पर। यूनिट लेंथ के लिए क्या करते थे, बेटा लेंथ से डिवाइड करते थे। तो पहले मैं इसी सर्किट की बात कर रहा हूं, इन ड्राइवर सेल सर्किट है ना, इसमें देखते बेटा। तो अगर मैं इसमें करंट आई निकालू तो आई जानते हो ईएमएफ ऑफ ड्राइवर अपॉन जो रेजिस्टेंस सीरीज में था प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो बेटा ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना है, 2। सीरीज में रेजिस्टेंस कौन सा था बेटा, 15, प्लस AB वायर का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 10 है। तो ये हमारा आंसर आएगा 2/25 एम्पियर। नाउ अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूं वायर AB में, तो वोल्टेज ड्रॉप इन AB, हम B जानते हैं V=IR होता, तो बेटा इसमें करंट कितना घूम रहा था, I, और इसका रजिस्टेंस AB। तो बेटा आई की वैल्यू है 2/25 और रजिस्टेंस जो AB का है बेटा वो 10 है। जब हम 5 से कट कर सकते हैं तो ऊपर तो हो जाएगा 4, नीचे बचेगा 5, इतने वोल्ट। ओके बेटा, यहां तक हम आए। नाउ हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो हमने VAB ड्रॉप निकाला था, AB लेंथ में था, तो यूनिट में कितना होगा, AB से डिवाइड कर देंगे। तो VAB था हमारा 4/5, डिवाइड करेंगे तो बेटा अपॉन में कौन आ जाएगा, 100। तो बेटा ये बन जाएगा 25 टाइम्स कट हो जाएगा इससे, तो 1/125 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बेटा हमारा एक आंसर आ चुका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मिल गया। अब बेटा आगे हमें बताना था कि बैलेंस लेंथ AO कितनी होगी। तो बेटा अब हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा जो हमारा प्राइमरी सेल का सर्किट है उसमें, इन प्राइमरी सेल सर्किट। तो बेटा इसके सर्किट में कितना करंट घूम रहा है उसको भी निकाल दो। अगर मैं यहाँ पे आई डैश देखूं तो बेटा आई डैश कितना होगा, जो ईएमएफ था किसका, प्राइमरी का, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन से बेटा, एक तो 1.2 है और एक कौन सा लगा हुआ है इसमें, 0.3 है। तो प्राइमरी सेल के लिए 1.5 था नीचे बेटा, ये कितना हो गया 1.5। तो बेटा ये करंट आया हमारा 1 एम्पीयर। आगे नेक्स्ट में करेंगे बेटा, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करके नोट डाउन करो। तो बेटा इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि जो बैलेंस लेंथ है बेटा AO वो कितनी है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्रेडियंट हमें काम में लेना है भी, इसलिए मैं इसको यहां पे छोड़ रहा हूं, और करंट हमारा ये 1 एम्पीयर। अब बेटा इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तो बेटा मैं आपको फर्स्ट मेथड बता दूं, क्योंकि हमें सारी कंसेप्ट पता होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल यहाँ A पर है, देखो वायर में वही यहाँ जा रहा है वही यहाँ पे जा रहा है, जो O पर था करंट तो है नहीं, O वाला ही पोटेंशियल बेटा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से इसके पास ही पहुंचा, इसके पास ही पहुंचा। तो आपने देखा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से बेटा यहाँ तक का पार्ट, सारे किसमें हैं, पैरेलल में। और हम जानते हैं बेटा पैरेलल में वोल्टेज कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आप देखो यहाँ से, तो अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से देखूं तो आपको पता है O हमारा बैलेंस पॉइंट है, एस AO जी बैलेंस लेंथ है ना, बैलेंस लेंथ, मुझे इसी को फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज A से O तक खर्च हुआ, जरा ध्यान से देखो,
ए से ओ तक अगर मैं गया यहाँ पे बेटा, ए से ओ तक की अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ, तो बेटा ए से ओ तक वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, यहाँ तक तो हम कह सकते हैं माइनस का बी ओ, नेगेटिव का मतलब है कि बेटा आगे जाने पर डिक्रीज हो रहा है। अब देखो इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप कहाँ, इसको बेटा नाम दे रहा हूँ फिलहाल मैं, इसको मैं बोले दे रहा हूँ सी, इसको बोले दे रहा हूँ डी, उसको बोले दे रहा हूँ मैं एफ, क्योंकि ई हम सेल के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, तो ये ड्रॉप किसके बराबर है जो सी से लेकर कहां तक हुआ है एफ तक, वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सी टू एफ, सी से एफ के ड्रॉप को बेटा मैं निकालूंगा, यहां तो मैं डायरेक्ट यूज करना था, तो माइनस वी ओ। अब देखो आप सी से बेटा एफ गए, तो सी से एफ हमने वोल्टेज कहाँ कहाँ खर्च किया, देखो आप आगे गए करंट के अपोजिट जा रहे हो कि नहीं, तो ड्रॉप क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है, तो 1.2 टाइम्स ऑफ आई डैश, सेल में आप प्लस से क्या हुए माइनस, तो माइनस के 1.5 आगे पहुंच गया मैं एफ पर, तो ये ड्रॉप हुआ बेटा सी से लेकर एफ तक। अब माइनस वी ओ ए इक्वल टू 1.2 इंटू बेटा आई डैश की वैल्यू 1 माइनस 1.5, ओके। अब इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ, जैसे ओ से लेकर ए तक का मैं ड्रॉप फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो आपको पता है बेटा यूनिट लेंथ का ड्रॉप क्या होता है के, ओ से लेकर ए तक कितना होगा मल्टीपल कर देंगे, और के की वैल्यू कितनी है हमारी 1/125 इंटू ओ ए। अब बेटा यहाँ से सॉल्व करो इसे, 1/125 इंटू ओ ए इक्वल टू, यहाँ से बेटा बचेगा 0.3, तो हमारा जो ओ ए निकल कर आएगा वैलेंस लेंथ बेटा वो आएगी यहाँ पे 37.5, माइनस से माइनस कट जाएगा ना 37.5 सेंटीमीटर। अब इसको बेटा एक वे में और समझ सकते हैं, ए से ओ तक ड्रॉप जो होगा वो ये भी होगा जो डी से एफ तक हो रहा है, एक ही बात है। तो अगर मैं बोलूं नेगेटिव ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ओ टू ए इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन डी एंड एफ, तो माइनस बी ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यूनिट लेंथ में ड्रॉप के, तो ओ ए लेंथ में ओ ए। अब डी से एफ तक ड्रॉप देखो, डी से एफ तक इसी में तो हुआ है, तो देखो करंट के अलोंग जा रहे हो, ड्रॉप कैसा होगा बेटा नेगेटिव होगा, तो माइनस का 0.3 टाइम्स ऑफ आई डैश, आई डैश की वैल्यू बेटा क्या हमारी 1 है। अब देखो इसे आगे माइनस के की वैल्यू 1/125 इंटू ओ ए मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस के 0.3 इंटू आई डैश की वैल्यू क्या बेटा 1 है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अगेन ओ ए कितना आया 37.5 सेंटीमीटर। तो बेटा हम ऐसे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप ए ओ को सी से एफ के बीच में बैलेंस कर दो या डी से एफ के बीच में बैलेंस कर दो, ओके। अब बेटा इसका हम सेकेंड मेथड डायरेक्ट केवीएल से जा सकते हैं, वो थोड़ा हमारे लिए आसान पड़ेगा, अब सेकेंड मेथड पर चलते हैं। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखिए आगे क्या होगा सेकेंड मेथड में, सेकेंड मेथड, तो बेटा सेकेंड मेथड में हमारा कंसेप्ट ये है कि मैं सीधे इस सर्किट के हिसाब से चल रहा हूं और केवीएल यूज करूंगा, तो इन लूप कौन कौन सा ए ओ, उसके बाद जी, उसके बाद बेटा एफ, उसके बाद मैं इस वाले सेल से एफ से होते हुए कहां पर गया हूं सी पर और वापस ए, है ना, मैं इसमें ए ओ जी एफ सी ए, ओके। अब देखो आगे, इसके बाद हम अगर यहां पे देखें तो आप पहले ए से ओ जा रहे हो, देखो ए से ओ जा रहे हैं अलोंग करंट जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, माइनस का बी ओ पे, इसमें नल पॉइंट पर कोई करंट होने का मतलब ही नहीं है। इसके बाद देखो आप गए माइनस से क्या हुए प्लस, प्लस का 1.5, अब देखो करंट के अलोंग चल रहे हो ना, वैसे चल रहे हो करंट के अलोंग, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो माइनस के 1.2 टाइम्स ऑफ आई डैश, वापस कहाँ पहुंच गए बेटा ए पे पहुंच गए, तो कल में क्या रहा जीरो। अब माइनस ओ से तक देखेंगे तो यूनिट लेंथ होती तो के ओ ए लेंथ में इंटू ओ ए, प्लस 1.5 माइनस 1.2 आई डैश बेटा हमारा कितना था 1 था, इक्वल टू 0, माइनस के की वैल्यू 1/125 इंटू ओ ए, देखो ध्यान से 1.5 और माइनस 1.2 तो क्या बचेगा 0.3, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस बेटा हट गया, तो ओ ए की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 37.5 सेंटीमीटर। अब बेटा ऐसा ही हम और ऐसे भी जा सकते थे, ये भी हमारे पास एक लूप हो सकता था इसे निकालने के लिए, तो इन लूप इसका नाम क्या है बेटा ए ओ जी एफ डी सी ए बाई के बी एल, बाई के बी एल लगाओ उसमें के बी एल, तो पहले ए से ओ तक गए एलोंग करंट जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, माइनस के बी ओ ए। अब बेटा हम यहाँ पर तो कोई ड्रॉप होना नहीं है, अब इसमें जा रहे हो आप अपोजिट टू करंट जा रहे हो, तो प्लस का क्या आएगा बेटा यहाँ पे ड्रॉप 0.3 आई डैश इक्वल टू 0, तो माइनस यूनिट लेंथ होती तो के ड्रॉप होता,
OA length में into OA plus 0.3 into I dash की value बेटा 1 equal to 0 minus 1 upon 125 into OA, उधर आके ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब अगर मैं मल्टीपल करता हूँ बेटा यहाँ पे अगेन, तो देखो मल्टीपल करने पे क्या होगा, हमें OA क्या मिलेगा 125 माइनस से माइनस कट गया, बेटा जो लेंथ OA आएगी वो आएगी हमारी 37.5 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने देखा कि डायरेक्ट कंपेयर करके भी हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और जो KVL है उसके बेस पर भी किया। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये पोटेंशियोमीटर दे रखा है, इसका ड्राइवर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आर है और बैलेंस लेंथ बेटा इसमें बता रखी है 30 सेंटीमीटर AX, और हमें पूछा है कि जो सेल E2 है उसके लिए जो रेजिस्टेंस अगर बैलेंस में अगर हम 30 सेंटीमीटर ला रहे हैं इसके हिसाब से तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इन ड्राइवर सेल सर्किट, ड्राइवर सेल सर्किट एट नल पॉइंट, बेटा ये सारी बात है नल पॉइंट पर होती है, करंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होता। तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं करंट निकालूं, करंट की वैल्यू होगी ई ड्राइवर अपॉन रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर ई, तो ई ड्राइवर बेटा कितना है 2 है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और ए से बी का रेजिस्टेंस बेटा 15 है। उसके बाद बेटा हम वी ए भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ए वी वी इक्वल टू आई आर होता है आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए वी, तो आई की वैल्यू 2 अपॉन आर प्लस 15, और बेटा ए वी का रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे 15 दे रखा था, तो ये हो गया 30 अपॉन आर प्लस 15। सो अगर हम ग्रेडियंट निकालें, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा के इक्वल टू क्या होगा वी ए वी अपॉन ए वी, इसकी वैल्यू बेटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू बेटा वी ए वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 अपॉन आर प्लस 15 इंटू अपॉन ए वी की वैल्यू बेटा 100 है, तो 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आया 3 अपॉन 10 इंटू आर प्लस 15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बेटा फॉर प्राइमरी सेल तो बेटा ये जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है इसमें ए से लेकर एक्स एक्स से बैलेंस हुआ होगा, तब हम कह सकते हैं ई टू इक्वल टू क्या रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम ए टू एक्स, तो बेटा ई टू की वैल्यू 75 मिली के लिए 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ए सी एक्स में ड्रॉप कितना हुआ यूनिट लेंथ होती तो के ड्रॉप होता, ए एक्स लेंथ में कितना ड्रॉप है बेटा तो इंटू में लेंथ ए एक्स, ए एक्स कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर, तो 75 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल टू के की वैल्यू 3 अपॉन 10 इंटू आर प्लस 15 इंटू में 30, तो बेटा 10 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रहा 9। अब मल्टीपल करेंगे इसमें हम, तो बेटा यहाँ अगर हम डिवाइड वो करते हैं 3 से काट दो से, 3 से कितने टाइम्स कटेगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 बेटा 3 रहेगा यहाँ पे अपॉन में आर प्लस 15, तो यहाँ से बेटा अगर मैं आर प्लस 15 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से R प्लस 15 क्या होगा, R प्लस 15 इक्वल टू यहाँ के हिसाब से 3 अपॉन 25, ये बेटा ये 1000 जो नीचे है 10 की पावर माइनस 3, ऊपर आके क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा बेटा 10 की पावर ये प्लस 3 की फॉर्म में आ जाएगा है ना, 3 अपॉन 25 ऊपर आके 10 की पावर प्लस 3 मीन्स 1000, तो R प्लस 15 इक्वल टू यहाँ से कटा कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो बेटा 120 आ गया, आर की वैल्यू आएगी हमारी 105 ओम। ओके बेटा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है आर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट।